एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ममता कुंवर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द बेसिक टेक्निक व्हाइल वी आर गोइंग टू द पेशेंट। इट कम्स अंडर द फिजिकल असेसमेंट। जब हम किसी पेशेंट के पास जाते हैं उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वी विल कलेक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एज अ नर्स। व्हेन वी आर गोइंग टू द फर्स्ट टाइम टू एनी पेशेंट हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट कलेक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। इन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट वी विल कलेक्ट द नेम ऑफ द पेशेंट, ओके, फ्रॉम वेयर द पेशेंट इज, व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट, व्हाट वर द चीफ कंप्लेंट्स एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द पेशेंट। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल कलेक्ट इन द हिस्ट्री। अपार्ट फॉर हिस्ट्री इन हेल्थ असेसमेंट वी विल ऑल्सो डू द कंप्लीट हेड टू टू एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। इन हेड टू टू एग्जामिनेशन of the patient we are using the specific techniques or which are the basic techniques we have to use। मतलब ये basic techniques हैं जो हम जो healthcare workers हैं, especially जो nurses and doctors हैं, we have to use and we must know about these basic techniques to diagnose the patient, to diagnose the actual problem of the patient and what are the subjective and objective data of the patient। So yes, today we'll be going to discuss about the physical examination methods। There are many methods of the physical examination, but we will not study the all or we will not discuss the all, but we are going to discuss only about the basic techniques of physical examination। So further moving to the slide or the video, if you are a new viewer, please do subscribe my YouTube channel and also like and share, and don't go anywhere and watch video till end। So first of all, what is physical examination? So physical examination kya hai? Physical examination are one of the healthcare most powerful tools। They are fast, informative, inexpensive, but not all physical examination are created equal। इसका क्या मतलब है कि फिजिकल एग्जामिनेशन है जो मेथड है, ये एक पावरफुल टूल होता है हर एक हेल्थ केयर वर्कर के लिए। जब हम पेशेंट के पास जाएंगे तो लैब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हम बाद में करते हैं, पहले हम लोग पहला जो भी हम मैन्युअली हम पेशेंट को असेस कर सकते हैं वो करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू मैन्युअली पेशेंट को क्या करते हैं, असेस करते हैं। और ये क्या होता है, फास्ट है, मीन्स जल्दी हम कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है क्योंकि इन्फॉर्मेटिव होता है, क्योंकि हम इससे में पेशेंट से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, तो कन्फर्मेशन है क्या क्यों। जैसे अगर कोई लैब इन्वेस्टिगेशन है, वी नेवर नो whether that particular lab investigation is 100% correct or not, but if we are directly observing the patient, if we are directly talking to the patient, that time hum information jo bhi hai wo confirm rehti hai aur informative rahegi aur hamare liye bahut zyada useful bhi rehti hai, and at the same time ye inexpensive hai, isme hame koi bhi aise expensive item ki zarurat nahi jab hum patient ka physical examination kar rahe hain। aur one more thing, जितने भी जो फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड्स हैं वो एक जैसे नहीं है। मतलब जो फर्स्ट मेथड है उसको हम अलग तरीके से करते हैं, जो भी फोर बेसिक मेथड्स हैं उनको हम अलग अलग तरीके से करते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन जनरल ऑफ मेडिसिन 76% ऑफ द केसेस रिजल्ट इन मिस्ड और द डिलेड डायग्नोसिस। स्पेशली वी एस आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एग्जामिनेशन बाय अ नर्स, सो आई टॉक अब ओनली अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो अमेरिकन जनरल ऑफ नर्सिंग के अकॉर्डिंग 76% केसेस में, मतलब 76% ये रिजल्ट आया है कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर डिले कर देते हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन करेक्टली नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट की जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है वो अच्छे से नहीं बना पाएंगे। क्यों? फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे हमें पेशेंट के पॉइंट्स पता चलेंगे, पेशेंट की प्रॉब्लम पता चलेगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन वी विल टेक द कंप्लीट और वी विल कलेक्ट द कंप्लीट डाटा ऑफ द पेशेंट। इट विल बी इंक्लूडिंग द सब्जेक्टिव डाटा एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या है, जो पेशेंट हमें बता रहा है, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा इज विच वी आर ऑब्जर्विंग इन द पेशेंट। ओके, देन इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, वी ऑल मस्ट नो अबाउट द एग्जैक्ट टेक्निक ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हाउ टू यूज दिस टेक्निक्स और हाउ टू अप्लाई द टेक्निक्स ऑन टू द पेशेंट टू कलेक्ट द एप्रोप्रिएट डाटा अबाउट द पेशेंट कंडीशन।
Next, we will see the definition. The physical examination is a systemic method of collection of data using senses of sight, hearing, smell and touch to detect the health problem in the patient. तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड है एक सिस्टमेटिक है, ये नहीं है कि पहले आप पैर देख रहे हो पेशेंट का, फिर सर देख रहे हो या कभी पेट देख रहे हो. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस. वी हैड टू डू एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हेड एंड वी विल एंड एट द फुट. ओके, तो ये सिस्टमेटिक मेथड है पेशेंट का डाटा कलेक्ट करने का. और उसमें भी जो सीक्वेंस है फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड्स की, वो सीक्वेंस क्या है कि पहले आपको यही करना है, देन यही करना है, देन यही करना है. ओके, वी हैव टू फॉलो दैट सीक्वेंस आल्सो. एंड व्हाट वी आर यूजिंग हियर, वी आर यूजिंग आवर सेंसेस ऑफ साइट, पेशेंट को देख के, पेशेंट को सुन के वो क्या बोल रहा है, पेशेंट की बॉडी की जो साउंड्स हैं उनको सुन के, स्मेल करके, पेशेंट को टच करके, पालपेट करके. तो इन सारे तरीकों के थ्रू जब हम पेशेंट का सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं, तो दैट मेथड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट इज नोन एज फिजिकल एग्जामिनेशन. नाउ इम्पॉर्टेंस, क्या इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है. फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसडायग्नोसिस एंड इंप्रूव द पेशेंट सेफ्टी. जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको पहले ही बताया कि 76% चांसेस हैं कि अगर हमने प्रॉपरली फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का नहीं किया तो डिले डायग्नोसिस होगी, एट द सेम टाइम मिस डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट होने के भी चांसेस हैं. तो इसको, इस मेडिकल मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड को जानना इज मस्ट एंड वेरी मच नेसेसरी. एंड वाई फॉर नर्सिंग स्टूडेंट, ओके, वाई फॉर नर्सिंग स्टूडेंट. सो द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज, देयर आर सो मेनी रीजन, बट द मेन रीजन इज वी हैव टू ब्रिज द थ्योरी प्रैक्टिस गैप इन नर्सिंग. सो वॉट इज थ्योरी प्रैक्टिस गैप इन नर्सिंग मीन्स समटाइम्स वी नो द थ्योरी बट वी डोंट नो द प्रैक्टिकल. ठीक है, and sometimes we know the practical means we are perfect at practical but we don't know the theory behind that particular demonstration and the care which we are providing to the patient. So there is a gap, matlab practice properly ho rahi hai to theory acche se nahi ho payegi, theory acche se hai to practical acche se nahi ho payega, but aisa nahi hona chahiye. There must be a equilibrium between the theory and the practical and we have to bridge this practical and theory gap. So physical examination is one of the intervention and the solution for overcoming this bridge between the theory, sorry, this gap between the theory and practice, and it acts as a bridge. और जिससे हम patient को क्या कर सकते हैं, properly जान सकते हैं और अपनी theory जो हमने पढ़ी है उसको properly patient में apply कर सकते हैं. ठीक है, तो ये nursing student के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Next, now what is the exact topic for today. So हम पढ़ रहे थे कि methods हैं, वन बाई वन हम देखेंगे. सबसे फर्स्ट वन इज द इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन क्या है बेसिकली, सपोज आप कहीं किसी शॉप पे जा रहे हैं फर्स्ट टाइम. ओके, तो शॉप पे जा रहे हैं, कहीं भी कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो सबसे पहले आप उस चीज़ को क्या करोगे, देखोगे, है ना. तो देखना इज, पेशेंट के पास जाके उसको देखना इज इंस्पेक्शन. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि पेशेंट को देखकर उसके बारे में पता करना. लाइक देख के हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को अगर जॉइंडिस है तो उसकी आईज येल्लो होंगी, स्क्लेरा येल्लो होगा, तो हम देख के पता कर सकते हैं, है ना. पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग है उसको देख के पता कर सकते हैं. तो इंस्पेक्शन मतलब पेशेंट को देख के उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व करना. सेकेंड मैथड इज द पाल्पेशन. पाल्पेशन में क्या किया, हमने सामान खरीद लिया, अब उस सामान को हम देख के तो हम खरीद नहीं लेंगे ना सीधे, उस सामान को नेक्स्ट हम क्या करेंगे, छू के देखेंगे कि वो सामान कैसा है, उसका कपड़ा कैसा है. तो सेम लाइक दैट, हमने पेशेंट को देखा पहले, है ना. अब देख के ही हम, देख के कुछ कुछ चीज़ें हम पता कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें हम देख के पता नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमें पेशेंट को, वी हैव टू टच द पेशेंट, ठीक है, और पाल्पेट करना उसकी बॉडी को. तो टच करने को, द सेंस ऑफ टच, वो उसको हम किसके अंदर काउंट कर रहे हैं, पाल्पेशन. नेक्स्ट है परकशन. तो परकशन में हमें क्या करते हैं, बेसिकली पेशेंट की बॉडी को स्ट्रोक देते हैं, ठीक है, अपने फिंगर्स की हेल्प से पेशेंट की बॉडी में स्ट्रोक देते हैं, और परकशन की हेल्प से हम बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट एरिया की साउंड को परसीव करते हैं, ठीक है. और देन लास्ट वन इज अ ऑस्कल्टेशन. तो ऑस्कल्टेशन पता है हमें कि ऑस्कल्टेशन में हम लोग बॉडी की जो साउंड है, लाइक लंग्स हो गया, हार्ट साउंड है, उनको सुनते हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप.
ठीक है। तो स्टेथोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम पेशेंट के बॉडी के साउंड, स्पेशली हार्ट साउंड, लंग साउंड, ये सारी चीज़ें सुनते हैं और कोई एबनॉर्मलिटी अगर हमें मिल रही है या एबनॉर्मल फाइंडिंग है तो उसको डिटेक्ट करते हैं और अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बता रही थी कि रिगार्डिंग द सिक्वेंस ऑफ दिस फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड्स, तो द सिक्वेंस इज सेम फॉर ऑल एक्सेप्ट देर इज वन एक्सेप्शन। हम अगर सारे पेशेंट का करें उस टाइम पे हम पहले इंस्पेक्शन ही करेंगे, देन पाल्पेशन ही करेंगे, परकशन ही करेंगे, देन ऑस्कल्टेशन करेंगे। बट जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस टाइम पे एक एक्सेप्शन है कि पहले हम इंस्पेक्शन तो करेंगे। इंस्पेक्शन तो हर किसी में सबसे फर्स्ट में ही हमें करना है। फर्स्ट मेथड ऑफ एनी एग्जामिनेशन इज द इंस्पेक्शन। बट अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन के डायरेक्ट बाद वी विल नॉट डू द पाल्पेशन। इंस्टेड ऑफ पाल्पेशन वी विल स्टार्ट द ऑस्कल्टेशन, देन आफ्टर ऑस्कल्टेशन वी कैन डू द परकशन एंड देन पाल्पेशन ऑन द एब्डोमेन। द रीजन बिहाइंड इज दिस कि अगर हमने पहले ही परकशन या अगर पाल्पेशन कर दिया तो अगर हमें बाउल साउंड पेशेंट का सुनना है या एबनॉर्मल बाउल साउंड कुछ आ तो नहीं उसे सुनना है तो ये क्या करता है, ऑल्टर कर सकता है। हमने दबा दिया, ठीक है, टच किया, जोर से दबा दिया, डीप पाल्पेशन कर दिया, परकशन कर दिया, तो इससे बाउल साउंड चेंज हो सकता है और हमारी फाइंडिंग रॉन्ग आ सकती है। मतलब जिस पर्पज़ के लिए हम लोग कर रहे थे, पेशेंट का एबडोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे थे जिस पर्पज़ के लिए, वो पर्पज़ फुलफिल नहीं होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए only in abdominal examination the sequence of physical examination will be differ, otherwise सारे methods में हमने यही sequence को follow करना है जो मैंने आपको first में दिखाया है। Now one by one हम पढ़ रहे हैं। पहला inspection हो गया, तो inspection क्या है, perform first में perform करते हैं हम इसको। In fact an inspection is the most repeated of for of the four physical examination में सबसे ज़्यादा हम inspection को use करते हैं। It means observing the client properly and collect information regarding client's health status। इसका मतलब क्या, देख के patient को properly observe करना और उसकी condition को पूरा अच्छे से health status को देखना। Then visual assessment of the patient and surrounding। पेशेंट को देखना, साथ साथ पेशेंट के बेड के अराउंड, पेशेंट का जो साइड लॉक कर है उसमें क्या है, कौन सा फ्लूड चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें भी हमें एनवायरनमेंट को भी ऑब्जर्व करना है इंस्पेक्शन के थ्रू। नाउ देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्पेक्शन। जब हम पेशेंट का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, सर्टेन प्रिंसिपल्स को हमें माइंड में रखना है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट है मेक श्योर गुड लाइटिंग इज अवेलेबल। जब आप किसी चीज़ को देखने जा रहे हैं तो हम देखते हैं ना कुछ सामान, सपोज साड़ी कुछ खरीदना है, कुछ कपड़ा, तो हम शॉप में जाते तो बोलते हैं ना भैया यहाँ पर लाइटिंग अच्छी नहीं है, लाइटिंग थोड़ी अच्छी करो, दिख नहीं रहा अच्छे से, है ना। तो मेक श्योर कि जब आप पेशेंट को इंस्पेक्शन करने जा रहे हो तो वहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर हो। नेक्स्ट हो गया पोजीशन एंड एक्सपोज बॉडी पार्ट सो दैट ऑल सर्फेसेस कैन बी व्यूड। अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, पेशेंट ने कपड़े पहने पूरे, है ना, मतलब जिस पार्ट को भी आपको इंस्पेक्ट करना है उसे देखने के लिए यू हैव टू रिमूव द क्लॉथ्स ऑफ द पेशेंट। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, यू हैव टू एक्सपोज ओनली द पार्ट विच इज टू बी ऑब्जर्व्ड। अननेसेसरी एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट मस्ट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट ईच एरिया ऑफ द साइज। ईच एरिया को हमें ऑब्जर्व करना है रिगार्डिंग द साइज, कैसा है शेप में कोई चेंजेस है, कलर, सिमेट्री, पोजिशन एंड एनी अदर एबनॉर्मेलिटीज। ए पॉसिबल कंपेयर ईच एरिया इंस्पेक्टेड विद द सेम एरिया ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब अगर कोई दो चीज़ें हैं, अगर आप पेशेंट के राइट साइड सपोज आप खड़े हैं, अगर राइट हाफ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट हाफ को भी उसी तरीके से ऑब्जर्व करना है। देन डू नॉट हरी इन इंस्पेक्शन, पे अटेंशन इन डिटेल। और जल्दीबाजी में कभी नहीं करना है, पता चल रहा जल्दी जल्दी में हो आप, कभी हम जाते हैं जल्दी जल्दी में कोई सामान खरीद के लाते गलत आ जाता है ना, है ना। बट लकीली कभी कभी सही होता है, बट हमें हरी नहीं करना है इंस्पेक्शन में, हमें स्लोली स्लोली हमें इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। देन क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन डिपेंड ऑन पर्सन्स विलिंगनेस टू स्पेंड टाइम ड्यूरिंग ए जॉब। इसका क्या मतलब है कि वन मोर थिंग, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हमारे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो हमारी क्वालिटी उसमें अच्छी होगी, हम उसमें ज़्यादा पे करेंगे। तो जब हम पेशेंट को केयर करने जा रहे हैं, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन आप कर रहे हो, तो समय पर इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना विलिंग हो टूवर्ड्स योर जॉब, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट द इंस्पेक्शन। नेक्स्ट वी विल सी द पाल्पेशन विच इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। सो एज इन दिस पिक्चर यू कैन सी वट वी आर डूइंग हेयर, वी आर पाल्पेटिंग, वी आर यूजिंग टू फिंगर्स एंड वी आर टचिंग द हैंड ऑफ द पेशेंट। सो दिस मेथड ऑफ टचिंग द
patient body is known as palpation. Palpation is the act of touching a patient to feel for abnormality anywhere in the body. So there are two types of the palpation, light palpation and the deep palpation. Light palpation, as the name suggests, light palpation is soft and gentle. Nurses may find information on the skin texture and moisture, masses, fluid, muscles, guarding and superficial tenderness by using the light palpation. Nurse hand is placed on the part of the examined and depressed about 1 to 2 cm only. हम दो टाइप के पाल्पेशन यूज करते हैं, एक तो लाइट पाल्पेशन एक डीप पाल्पेशन. तो लाइट पाल्पेशन हम तब करेंगे जब हमें सुपरफिशियल एग्जामिनेशन करने, लाइक टेंडरनेस तो नहीं होती है किसी जगह पे, ठीक है, और उस चीज का टेक्सचर देखने के लिए, जैसे स्किन का टेक्सचर देखने के लिए हम लोग पाल्पेशन का यूज कर सकते हैं, है ना. और इसमें मेन हमें ध्यान देना है कि जब भी हम पाल्पेशन, लाइट पाल्पेशन करेंगे जो डिप्रेस्ड, मतलब कितना टच डीपली हमें टच करना है, ओनली 1 to 2 cm ही करेंगे. इसके अपोजिट डीप पाल्पेशन क्या है कि डीप पाल्पेशन एक्सप्लोर्स द बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर्स. मेनली डीप पाल्पेशन इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं बाहर से, लाइक अगर लीवर, अगर पेशेंट बोल रहा है उसके राइट में दर्द हो रहा है, अगर लीवर में कोई अबनॉर्मेलिटी या स्वेलिंग कुछ दिख रहा है एब्डोमेन में, तो उसे पाल्पेट, डीपली पाल्पेट करके हम लोग उस ऑर्गन का साइज हो गया, पोजीशन तो इधर से उधर नहीं हुई है, शेप है, मोबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम डीप पाल्पेशन का यूज करते हैं. और इसमें जो डेप्थ ऑफ दिस पाल्पेशन होगी वो कितनी होगी, 4 to 5 cm. नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ पाल्पेशन. Palmar surface of the fingers and finger pads are used to palpate for texture, masses, fluid and assist the skin temperature. तो mainly हम लोग क्या करेंगे, finger pads का use करते हैं और palmar surface का use करते हैं, ठीक है. Client should be relaxed position, काम को relax रखना है, comfortable position देना है. Because क्या होगा, मसल टेंशन ड्यूरिंग पाल्पेशन इम्पेयर्स इफेक्टिवनेस. मतलब अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो कोई मसल खींच रही है, कोई मसल इधर जा रही है ना, तो उसमें फाइंडिंग क्या हो सकती है, उतनी इफेक्टिव नहीं आएगी. तो उसको अवॉइड करने के लिए वी शुड प्रोवाइड अ कंफर्टेबल एंड रिलैक्सेशन पोजिशन टू द पेशेंट. नेक्स्ट, हैज स्टूडेंट रोल प्लेइंग यूजिंग डिफरेंट सिनेरियोज टू ट्रेन देम टू पाल्पेट इफेक्टिवली, एनकरेज शॉर्ट फिंगर नेल्स. और एज अ टीचर, मतलब एज अ टीचर, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर दैट जो भी आप पेशेंट, जो भी आप स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हो, आपको बार बार रिपीटली दिखाना है इतना इफेक्टिव. और एक रोल प्ले के थ्रू अगर हम समझाते हैं कोई चीज़ें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है. देन एनकरेज शॉर्ट फिंगर नेल्स एंड वार्म हैंड्स टू बूस्ट पेशेंट कम्फर्ट ड्यूरिंग द पाल्पेशन. और वन मोर थिंग्स, वी अवर फिंगर शुड बी कट शॉर्ट. हमारे फिंगर्स कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, है ना, और हमारे नेल्स क्या होने चाहिए, सॉरी, और हमारे हैंड्स क्या होने चाहिए, वार्म होने चाहिए, ताकि पेशेंट को किसी भी टाइप का कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो. सो इन दिस पिक्चर, दिस पिक्चर्स यू कैन क्लियरली सी, दिस इज द लाइट पाल्पेशन एंड दिस इज द डीप बाय मैनुअल पाल्पेशन. वन मोर थिंग, डीप दिस इज बट बाय मैनुअल. वाइल वी आर डूइंग द डीप पाल्पेशन वी कैन यूज द टू हैंड्स, वाइल इन लाइट पाल्पेशन वी आर यूजिंग ओनली द वन हैंड. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लाइट एंड द डीप पाल्पेशन. नेक्स्ट वी विल गो टू द पर्कशन. तो पर्कशन इंक्लूड्स टैपिंग वन्स हैंड ऑन अ पेशेंट्स बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड वाइब्रेशन. जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि पेशेंट है, ये पेशेंट के बैक में नर्स क्या कर रही है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या कर रहा है, एक हैंड से दूसरे हैंड में स्ट्राइक कर रहा है ना, एक जो उंगली है वो रख के पेशेंट की बॉडी में उसने क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है बॉडी में. दिस साउंड्स मेड कैन द साउंड मेड्स कैन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एयर. इसके थ्रू पता करते हैं कि पेशेंट की बॉडी में एयर तो नहीं है कहीं पे एक्यूमुलेट, किसी एरिया में कोई फ्लूइड तो एक्यूमुलेट नहीं है, सॉलिड तो नहीं है, मतलब साइज तो नहीं बढ़ रहा, उसमें मास तो नहीं हो गया कुछ, अलॉन्ग विद द उस ऑर्गन का साइज, शेप, पोजिशन. Percussion can be practiced almost anywhere to analyze the intensity, duration, pitch, frequency, quality and location of the sound. और ये हम body में anywhere किसी भी area में कर सकते हैं, especially to analyze the intensity, duration, pitch, frequency, quality and the location of the sound. Next, types of percussion tone. जब हम patient की body को vibrate कर रहे हैं या percussion कर रहे हैं उस time पे अलग अलग tones आती हैं, है ना. जब फ्लैट टोन आ रही है इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग थाई एग्जामिनेशन, जब हम पेशेंट का थाई एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हमें टोन सुनाई देती है वो होती है, मतलब परकशन कर रहे हैं थाई एरिया का थाई एग्जामिनेशन में, तो फ्लैट टोन. डल टोन्स,
मीडियम टोन, जैसे अगर फ्लूड है, लीवर पार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, अगर मतलब हमने किया परकशन किया और हमें डल टोन से सुनाई दी, इसका मतलब क्या, वहाँ पे लीवर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, या फ्लूड एक्यूमुलेट हो सकता है उस एरिया में। नेक्स्ट है रेजोनेंस, लाउड साउंड। रेजोनेंस को हम लाउड साउंड में बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे नॉर्मल लंग साउंड होती है, हाइपर रेजोनेंस इन द एम्फाइसीमा, नॉर्मल लंग साउंड है, या हाइपर रेजोनेंस भी रहती है कभी कभी, लाइक द एम्फाइसीमा एक एबनॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट है टिम्पेनिक, ड्रम लाइक साउंड ऑन एयर फील्ड कैविटी, एग्जाम्पल स्टमक। टिम्पेनिक साउंड रेजोनेंस जब आ रही, टिम्पेनिक टोन जब आ रही, इट मीन्स क्या है कि एयर फील्ड कैविटी है उसके अंदर एयर भर गया है, जैसे कि स्टमक में भर जाती है कभी कभी, ठीक है। तो हम अगर परकसन करेंगे तो उस टाइम पे जो हमें साउंड सुनाई देती है उसको हम टिम्पेनिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टोन्स हैं जब हम पेशेंट का क्या करेंगे, परकशन करेंगे। नेक्स्ट देयर आर सम इजी ट्रिक्स फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस परकशन, और अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो आपको क्या करना है, आप होम पे, घर पे भी ये सब कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ें जैसे पानी के अपने दो वो ले ली, पानी के दो ग्लासेस ले ली, एक खाली है एक भरी हुई है, है ना, एक खाली रखो एक पानी से भरी रखो, तो तय दोनों को आप परकर्शन करके देखो, वाइब्रेट करके देखो, तो उसमें आप फिर अब डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि अगर एयर फिल्ड है मतलब उसमें पानी नहीं है तो कैसी साउंड आ रही है, अगर पानी भर गया तो कैसी साउंड आ रही है। देन उस ग्लास में कुछ सॉलिड चीज़ें कुछ भर दो, जैसे आटा भर दिया, कुछ भी चीज़ भर दी, देन उसको करके देखो, है ना। और इन सारी साउंड्स का, तीनों साउंड्स को क्या करो, कंपेयर करो, देन आप पेशेंट के ऊपर करो दोबारा। तो इस तरीके से आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली क्या होगा, आप परकशन का जो मेथड है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नॉट ओनली अबाउट द परकशन, आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें योर इन्वॉल्वमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। टीचर इज समवन इज टीचिंग यू, आपको कोई पढ़ा रहा है, बट जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं हो, यू आर नॉट शोइंग योर 100%, यू आर नॉट गिविंग योर 100%, तो उस टाइम पे रिजल्ट विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिव। सो द मोर इम्पॉर्टेंट इज सेल्फ लर्निंग, यू हैव टू बी अ लाइफ टाइम लर्नर, यू हैव टू बी शो द इंटरेस्ट इन द टॉपिक्स एंड दिस इंटरेस्ट टू द पर्टिकुलर टास्क जो आप कर रहे हो। तो ये सारे इजी ट्रिक्स मेथड से। नेक्स्ट स्टेप है ऑस्कल्टेशन, द फाइनल मेथड इज ऑस्कल्टेशन विच इज लिसनिंग टू द हार्ट, लंग्स, नेक और द एब्डोमेन टू गैदर द इंफॉर्मेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्कल्टेशन, डायरेक्ट एंड दी इनडायरेक्ट। इन डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन व्हाट वी आर डूइंग, लिसनिंग विद द अनएडेड एयर, मतलब हम इसमें कोई स्टेथोस्कोप या कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम अपने नेकेड जो हमारे एयर है उनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी के साउंड सुनने की कोशिश करते हैं। दिस में इंक्लूड लिसनिंग टू द पेशेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस और राइट ऑन द पेशेंट स्किन। नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन में आता है यूजिंग एम्पलीफिकेशन और द मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज द स्टेथोस्कोप। सो दीज आर टू पिक्चर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन। तो डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन में वी आर यूजिंग आर एयर्स, बट इन इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन वी आर यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट और द एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस टू लिसन द बॉडी साउंड ऑफ द पेशेंट। अदर मेथड में आता है आपका मैनिपुलेशन, ओके, ऑल्फैक्शन हो गया, हम और रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करते हैं। तो मैनिपुलेशन है जो मेथड, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इट इज़ द मूविंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू नोट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट्स रिजॉल्व बाय दिस मूवमेंट। तो इसमें मैनिपुलेशन में मैनुअली हम खुद से या तो पेशेंट को खुद करवाते हैं, एक्टिवली पेशेंट करता है, या हम पैसिवली पेशेंट को हेल्प करते हैं। स्पेशली जो मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स हैं, जिन बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट हो सकता है, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनके मूवमेंट्स की कितना उन्हें करना चाहिए और कितना नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉपरली कर रहे हैं, नॉर्मल है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस मैनिपुलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। और अदर मेथड भी, एक ऑल्फैक्शन मेथड भी होता है। ऑल्फैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, स्मेलिंग चेक करते हैं पेशेंट का, है ना, पेशेंट का स्मेल चेक करते हैं कि पेशेंट किसी चीज़ का स्मेल कर पा रहा है या नहीं, या हम खुद का ऑल्फैक्शन पेशेंट में अप्लाई करते हैं। लाइक जब हम पेशेंट का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, किसी एरिया को अगर हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो उस एरिया से कोई भी अनएडेड साउंड तो नहीं आ रही है, कुछ एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही है, सॉरी साउंड नहीं, एबनॉर्मल स्मेल तो नहीं आ रही है, तो उसको भी हम ऑल्फैक्शन के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट द फिजिकल एग्जामिनेशन। सो देयर आर बेसिकली फोर मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड द
auscultation. So this is for all of us. Practice is an important part of becoming skilled at anything. Especially जो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हमारे लिए प्रैक्टिस बहुत, जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग एंड कीप गिविंग योर बेस्ट इन एनी एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो, उसमें अपना 100% दीजिए, अपना सेल्फ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखिए, तो उस चीज़ में आप डेफिनेटली सक्सेस को पा सकेंगे. So thank you so much abhi tak video dekhne ke liye. Thank you. If you like my video and explanation, please do not forget to share it with your friends and also like and comment.